तो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी लेवल हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि अभी जो देखिए लगातार वीडियो नहीं आ पा रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए वीडियो मैं लगातार लेके आना की कोशिश करूँ। लेकिन उससे पहले आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, अभी जो हमको इस जगह क्लोजिंग देखने वाला, जो देखिए अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, तो वो आपका 53,793 के आसपास की हमको क्लोजिंग देखने वाली। अब जो क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताया था, आपको याद होगा ना, ये वाला जो पूरा पैटर्न बना था उस पैटर्न के बाद देखिए यहाँ पे जब सेलिंग आई थी ये वाली कैंडल में, जो बड़ा वाला सेलिंग आपको याद होना चाहिए, जो कि देखिए आपको देखने को मिला था 6 सितंबर को। 6 सितंबर को एक बड़ी सेलिंग देखने वाली थी। उस समय मैंने आपको बोला था कि FIS जो है मार्केट के अंदर जो सेलिंग किया है FIS ने, आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। उस समय मैंने चार्ट को नहीं देखा था, उस समय मैंने डेटा को देखा था। डेटा का जो पूरा महत्व होता है, जो पूरा इम्पोर्टेंट होता है, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। और वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि FIS आज सेलिंग करके गए हैं, लेकिन आप जो समझे कि FIS फिर से बाइंग करेंगे। अब देखिए वो उनकी खुश नसीबी नहीं है कि वो हमेशा देखिए क्या कहते हैं, टॉप पे बाइंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, हमने बॉटम पे बाइंग किया था। बॉटम पे जो पकड़ने वाली चीज़ होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। टॉप पे तो देखिए आपने बाइंग किया, वहाँ से भाग गया, अगर वहाँ से लौटता है तो उतनी ही तेज़ी से लौटता है। लेकिन अगर आपने बॉटम पे बाइंग किया है, तो बॉटम पे बाइंग करने का मतलब क्या होता है कि जो आपका रिक्स एंड रिबॉट वो आपके फेवर में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये आपका इस जगह सेलिंग आई थी, तो यहाँ पे आपका क्या लेवल था, 50,500 का, जो एक साइकोलॉजी प्राइस था। और ये वाला जो हमारा पहले क्या था, ये रेजिस्टेंट था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट हुआ, सिंपल सी बात। अब देखिए इसको अपन समझते हैं कि अब इसके अंदर क्या देखने को दिखाई दे रहा है कि एक तो अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 3 महीनों का ऑलमोस्ट आपको 3 महीने का यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दिया, जो एक हेल्दी ब्रेकआउट है, लाइफ टाइम हाई के आसपास है। क्योंकि यहाँ पे जो इसने हाई मारा था वो आपका ऑलमोस्ट 54,000 के समथिंग का हमको हाई देखने वाला बैंक निफ्टी का। अब देखिए ये चीज़ें हो क्यों रही है, एक तो आपको पता होगा रेट कट। अब जब पिछली बार जब रेट कट हुआ था वो 2008 में हुआ था, ठीक है। 2008 में जब रेट कट हुआ था तो उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पैनिक आना शुरू हो गया था, मार्केट तेज़ी से नीचे की साइड आना शुरू हो गए थे। अब आज का भी मार्केट, अब अगर आप देखोगे ना आजकल का जो मार्केट है या कल का जो मार्केट निकल गया, इन मार्केट में एक चीज़ आपको बिल्कुल फोकस करना है कि आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी निफ्टी ऊपर जाएंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्या आपके साथ हो रहा है, ये आप मुझे कमेंट बताइए। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों ने क्या किया है कि जो लार्ज कैप स्टॉक थे, बड़े जो स्टॉक थे उनको तो बाइंग किया नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे स्टॉक थे, मिड कैप थे, स्मॉल कैप थे, वो भर भर के लिए, बहुत अच्छा खासा भर भर के लिए है, ठीक है। अब उन स्टॉकों में क्या हो रहा है, उनमें तो देखिए करेक्शन आ रहा है, लेकिन जो अच्छे स्टॉक है, जो लार्ज स्टॉक है, उसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। जैसे ICICI बैंक का ब्रेकआउट देखने को बोला, एक्सेस का देखने को बोला, ठीक है, कोटक का देखने को बोला, उससे बाज़ार ऊपर की साइड जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए अभी लोग बात कर रहे थे कि बाज़ार में बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है, क्यों आने वाली है भाई, थोड़ा डेटा आप देख लो ना, डेटा तो आप देखिए ऑनलाइन है ना, सब कुछ ऑनलाइन आपको दिखाई देता है। कैश का डेटा देख लेते हैं यहाँ पे, ये कैश का डेटा है, FIS और DIS का डेटा है, ठीक है, FIS और DIS का डेटा, कैश का डेटा। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 17 सितंबर को बाइंग किया था, 18 सितंबर को बाइंग किया था, 19 सितंबर को सेलिंग किया था, लेकिन 20 सितंबर को यहाँ पे क्या बाइंग किया, और एक बड़े अमाउंट में बाइंग किया। यहाँ पे अगर आप देखो तो बड़ा अमाउंट आपको दिखाई देगा, जो कि देखिए 14,060 करोड़ के आसपास की बाइंग है, जिसमें अगर मैं डेटा की बात करूँ तो नेट नेट बाइंग जो हमको दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, 24,335 करोड़ के आसपास, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब FIS ने बाइंग किया तो DIS ने सेलिंग क्यों किया। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझो, देखिए होता क्या है कि जब FIS का तो भरोसा नहीं है ना भाई, आज बाइंग किया तो कल सेलिंग करके चले जाए, उसके बाद सेलिंग करके चले जाए, उनके मूड के ऊपर है। जब वो बॉटम पे बाइंग करते नहीं है, टॉप पे बाइंग करते हैं, तो उनका तो भाई इससे बढ़िया तो रिटेल इन्वेस्टर अच्छे हैं,
भारत के, कम से कम उनको इतना तो पता है कि भाई सपोर्ट पे आना है तो अब बाइंग करना है, और हर सपोर्ट पे आपको तेजी देखने को मिल जाती है। अब देखिए DIS ने इसलिए यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग किया है या सेलिंग किया है, एक तो देखिए लाइफ टाइम हाई पे, तो लाइफ टाइम हाई पे होता है क्या है कि अक्सर देखिए जो इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड में से देखिए विड्रॉल करते हैं, ठीक है, तो वो विड्रॉल के अमाउंट के वजह से यहाँ पे सेलिंग किया हुआ। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि देखिए जब जब हमको सेलिंग देखने को मिलती है इंडिया बाज़ार के अंदर, तो संभालता कौन है, पैसा कहाँ से आता है, तो उस समय जो संभालते हैं वो DIS है, ठीक है, यानी लोकल इन्वेस्टर यहाँ पे हमको बाइंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर ये सेलिंग किया तो हेल्दी सेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए और चीज़ें अपन समझते हैं, यहाँ पे अगर आप डेटा को देखो ना, तो कुछ समय पहले मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको 15 से लेके 14 दिन का ये पूरा डेटा दिखाई दे रहा है, और इस 15 से लेके 14 दिन के अंदर ही हमको सिर्फ 5 नेगेटिव क्लोजिंग देखने वाली, उसके पहले देखिए हमको पूरी पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपन लेवल समझ लेते हैं सबसे पहले, तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, जैसे कि अगर देखिए मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे हम लेके आता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट पे हमको क्या क्या चीज़ें इस जगह दिखाई दे रही है। पहला कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए पहले समय पे तो देखिए इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद जो आपको मैंने एक समय बताया, आपको याद होगा कि लास्ट में एक हमको ज़रूर मूव देखने को मिलता है, लास्ट में मूव देखने को मिला। अब देखिए इसमें हो क्या सकता है कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग करता है, इसी जगह फ्लैट ओपनिंग करता है, इसी जगह देखिए आपका फ्लैट ओपन हो जाता है, और ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये इस प्राइस को निकलता है 54,000 को ऊपर की साइड, इसको निकालने के बाद अब हमको तेज़ी से बाइंग नहीं करना है कि हम तेज़ी से देखिए इसके अंदर बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये थोड़ा समय बिताए, यहाँ पे ये अगर थोड़ा समय बिताएगा, थोड़ा देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा देखिए यहाँ पे अब ये समय बिताएगा, तो उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगा ना, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बाज़ार के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना है। और अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड निकालता है, तो यहाँ पे हमको क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं या किस तरीके से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसकी बात करते हैं, तो 54,100, फिर आपका 54,200, फिर आपका इस जगह 54,300, फिर आपका 54,400, और फिर आपका 54,500, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंटों की तेज़ी मुझे और दिखाई देती है इस जगह से। अब देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जैसे कि ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है, लास्ट में हमको तेज़ी दिखाई दी, यानी यहाँ पे जो ट्रेड किए होंगे, यहाँ पे कुछ लोग ट्रेड किए होंगे, उनके अच्छे खासे SL हिट किए, और जो पहली वाली जो सेलिंग हमको देखने वाली थी, यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग किया, जो सेलिंग नहीं लगता मुझे कि यहाँ पे जो सेलिंग किया, यहाँ पे उन लोगों ने माल देखे निकाला है जिनको पता था, जिनको देखे हिडन डेटा पता था कि बड़ी बाइंग होने वाली, तो जितने भी शॉर्ट किए थे वो पूरे शॉर्ट देखे यहाँ पे कवर हुए, उसके बाद देखे मार्केट ऊपर की साइड निकल गए, ठीक है। अब ऐसे ही हम देखे इसमें 1 आवर्स का चार्ट देखते हैं, तो 1 आवर्स के चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप देखो ना, आपको देखिए हायर टू हाई के अंदर देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, हायर टू हाई, ठीक है, और इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हमको दिखाई दिया। अब ये बड़ा ब्रेकआउट देखिए कितना सस्टेन है, तो इसको भी अपन थोड़ा देखते हैं। आपका जो बाजार है, जो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ पे जो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा साइडवेज हो सकता है बाजार, इस चीज़ को ना हमको समझ के, ठीक है, अप ट्रेंड प्लस साइडवेज। अब इसके अंदर सपोर्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे एक लंबे समय का ब्रेकआउट हुआ, लंबे समय का ब्रेकआउट होने के बाद ये जो नीचे वाला जो प्राइस है देखिए ये जो कि आपका 53,200, तो आप ये समझिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अब आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक बाजार इसके नीचे नहीं जाएगा, जब तक हमको किसी भी तरीके की सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके लंबे समय का ब्रेकआउट इसने किया है। अगर ये थोड़ा नेगेटिव भी ओपन होता है या थोड़ा नीचे आने की कोशिश करता है, तो इस प्राइस पे हम क्या करके चल सकते हैं, इस प्राइस पे हम बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको बाइंग करने का मौका मिल सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम समझते हैं कि अब बाजार आपका गैप अप के साथ ओपन होता है, ठीक है, गैप अप के साथ अगर ओपन हो सकता है
या हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ऊपर वाला जो प्राइस है आपका फिर जगह 54,800, ये अब क्या करेगा, ये रेजिस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि देखिए आपके बायर प्रॉफिटेबल है यहाँ पे, ये पूरे बायर क्या है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, अगर देखो ये प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे भी ये प्रॉफिटेबल है, कंटिन्यू बायर ऊपर जा रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, FIS ने अच्छा खासा बाइंग किया है, ठीक है। अब जो बाइंग जो किया है, अगर ये ट्रैप है कहीं ना कहीं, ट्रैप करना चाहते हैं FIS, तो पहले तो क्या करेंगे, ये गैप अप ओपन कर देंगे। गैप अप ओपन करने के बाद मैंने बोला साइडवेज हो सकता है, मार्केट को इसको ध्यान में रखना है, साइडवेज बाजार हो सकता है। तो अगर आप बड़ी पोजीशन लेके बैठे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि बाजार मूव नहीं दे रहा है, तो थोड़ा उसको होल्ड नहीं रखना, वेट एंड वॉच करना, फिर उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आता है तो यहाँ पे हम सेलिंग करके चल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सेलिंग वाला पॉइंट है, जिसमें मुझे लगता है कि 400 से लेके आपको 550 पॉइंटों के आसपास का मूव देखने को मिल सकता है ऊपर से, तो ऊपर हम सेलिंग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्यों करेंगे, क्योंकि आप समझो कि कभी भी मार्केट कहता है क्या है कि आप जो सब लोग देखें यहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है, ठीके? सब लोग सोच रहे हैं कि बाजार ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है तो वैल्यू नाम की भी एक चीज़ होती है ना, वैल्यूएशन भी तो कुछ होती है, तो बाजार थोड़ा महंगा हो जाएगा। अगर महंगा होता है तो फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसे कि हमने देखे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में हमने देखा था, गैप के साथ ओपन हुआ, ऊपर की साइड गया, फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्योंकि जो नीचे वाला प्राइस था 70 रुपये के आसपास वो सही प्राइस था, लेकिन जैसे ही जो ऊपर की साइड गया तो वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं फिर क्या होने लगा, वैल्यूएशन जो होती है, ठीक है, प्राइस की, वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं होता, उसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो गैप के साथ हम इस जगह नहीं करेंगे बाइंग, और ऊपर सेलिंग के साइड ही देखिए इस जगह ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा जी आप मुझे बिल्कुल बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।